देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की अगुवाई में स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर निकली पहली यात्रा हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर पहुंची। यहां पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। नेताओं ने स्वर्ण समाज के लोगों से 10 दिसंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित विधानसभा घेराव में शामिल होने की अपील भी की। यहां से ये यात्रा हमीरपुर के मुख्य बाजार से होते हुए भोटा चौक के लिए रवाना हुई। गौरतलब है कि ये यात्रा में शामिल आंदोलनकारी अभी तक 800 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर चुके हैं। हमीरपुर के गांधी चौक पर पहुंचने पर स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा उन्हें फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। इस मौके पर स्वर्ण समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि विधायक विक्रमादित्य सिंह ने खुलकर इस मुहिम का साथ दिया है। उनको दलित समाज के जो लोग धमकी दे रहे हैं, उन्होंने अपनी दुकानें चला रखी हैं। ये चंद लोग हैं और इनकी दुकानें जल्द ही बंद की जाएंगी। और विधायक विक्रमादित्य के साथ स्वर्ण समाज के लोग खड़े हुए हैं। ऐसा है कि सबसे पहली बात तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हिमाचल प्रवेश पे और इस रैली के माध्यम से जहाँ पर सरकार को प्रशासन को धारा 144 लगाने की आवश्यकता पड़ गई, तो हमें और पूरे देश को ये संदेश जाता है कि भैया स्वर्ण की स्वर्णों की ताकत बढ़ रही है, स्वर्ण समाज संगठित हो रहा है और स्वर्ण समाज आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक प्रताड़ना की बात है साहब, ना प्रताड़ना की हम बात कहते हैं, ये जो बैठे हैं ये 68 विधायक जिनकी शुद्धिकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रताड़ना करी इन्होंने वोट बैंक के नाम पर, तभी तो शुद्धिकरण के लिए आए, गंगा मैया को साथ लेकर आए। तो जो प्रताड़ना इन्होंने हमारी आज तक की है उसका हमने कहा है चुन चुन कर जवाब लिया जाएगा और लेंगे, जब शुद्धिकरण होगा तो पूरा का पूरा और अच्छे से तरीके से जवाब जवाब लिया जाएगा। और 50 सालों में जो उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ वो अब ऐसा है कि जिस व्यक्ति को हम जानते नहीं, जहाँ तक विक्रमादित्य की बात, तो विक्रमादित्य ने खुलकर इस आंदोलन का साथ दिया है। तो जहाँ तक स्वर्ण समाज की बात आएगी, स्वर्ण समाज विक्रमादित्य के साथ खड़ा है। और जहाँ पर जो धमकी देने वाले लोग हैं, धमकी देने वालों को जवाब नाहन में भी मिला है और उनको ऊना में बड़ी बेहतरी से मिला है। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ साहब, आप लोगों के चैनल के मीडिया के माध्यम से, ये वो लोग हैं जो लोग दुकानें खोल कर बैठे हैं और जिस प्रकार से इन्होंने, साहब मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बात बात कहना चाहता हूँ कि हमारी देवों की भूमि, इस देवों की भूमि का जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने हरिद्वार हर की पौड़ी में हिमाचल प्रदेश मुर्दाबाद के नारे लगवाए, और ये वही लोग हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस और प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगवाए, ये वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ के लोगों को तैयार किया कि हिमाचल प्रदेश से जो यात्रा आ रही है इनके खून से गंगा मैया को लाल किया जाए। तो इन लोगों को जवाब जिस तरीके से हमने देना है वो अभी ऊना में भी मिला, नाहन में भी मिला, और हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों से कहा इन लोगों की शक्लें पहचान लो अच्छे तरीके से, क्योंकि जवाब देना है और देंगे और ढंग से देंगे, छोटा जवाब नहीं देंगे। क्योंकि जिन लोगों का हमने विरोध नहीं किया वो आज लोग अपने समाज को बरगलाने के लिए, और मैं सारे समाज को नहीं कहता, मैं इन चंद दुकानदारों को कहता हूँ, इनकी दुकानें बंद कराएंगे और ढंग से कराएंगे। और एक बात और, हम कहते हैं हमेशा से कि अब ये स्वर्ण समाज जाग रहा है साहब, और हमने कभी किसी के अधिकारों के खिलाफ बात नहीं करी, ना हमने कभी किसी को प्रताड़ित करने की बात करी। अब हम ये बड़े सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जो बातों से मानेगा उसको बातों से समझाएंगे और जो लातों से मानेगा उसको लातों से भी समझाएंगे। स्वर्ण समाज की ये ताकत है और मजबूती के साथ आगे। मैं नाम नहीं लेता ऐसे बंदे का, देखिए साहब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो दुकानदार हैं, हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क तो इन लोगों ने किए, आधे से ज़्यादा धर्मांतरण करके बैठे और बात हिंदू धर्म की करते हैं, बात हिंदू धर्म की अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं, छोड़ो ना आरक्षण, करो ना क्रिमिनल सिस्टम के खिलाफ, बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? जब अधिकारों की बात आती है तब अपने आप को कुछ कहते हैं, और जब इनके खिलाफ बात होती है, जब हम अपने अधिकारों की बात, तब हिंदू धर्म याद आता है। ये धमकियाँ जो दे रहा है कि इसने इन लोगों ने पहले भी दी थी, और हम बोलते हैं करके दिखाओ, हिम्मत है करके दिखाओ धर्मांतरण। ये जो हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू जवाब देगा फिर अपने तरीके से और मजबूती के साथ देगा। हमने कहा कि अपनी धमकियां अपनी ये अपनी जेब में संभाल के रखो, अपने घर में संभाल के रखो, यहाँ पर ये डरने वाले लोग नहीं हैं यहाँ पर कि अपनी बातें जो करोगे
73 साल हो गए साहब, 73 साल से करोड़ों अरबों रुपया सरकार ने दे दिया, करोड़ों अरब पूरा का पूरे देश के संविधान को, 135 करोड़ लोगों के संविधान को, ये अपने घर की जागीर बोलते जागीर बोलते हैं कि हमारे घर की जागीर है, जब सब कुछ इनका है, जब सब सब कुछ इनके लिए, भैया फिर क्यों अब क्या देश देश की रजिस्ट्री कराएंगे क्या अपने नाम? वो सपने, एक फ़ोन आया था मेरे को इनके लोगों का, कहीं बाहर से आया था, वो रिकॉर्डिंग हुई है मेरे पास फ़ोन में, वो कहता कि हमारा लक्ष्य है कि हमने इस देश के पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा करना है, और जिस दिन हम कब्जा करेंगे उस दिन बोले सब ख़त्म। हमने कहा कि भैया क्या ख़त्म करो, बोलते सब ख़त्म, बोले आप समझ लीजिए क्या ख़त्म। हमने बोला भारत माँ के करोड़ों लाल बैठे हैं यहाँ पर, जिन्होंने इस देश के ऊपर बलिदान दिया है, इस भारत माँ के लिए बलिदान दिया है, इस देश के तिरंगे के लिए बलिदान दिया है, भगवा साथ लेकर चल रहे हैं, बलिदान का प्रतीक लेकर चल रहे, किसी गलत फहमी में मत जीना और किसी भी गलत फहमी में भूल कर भी मत रहना। और यही बात मैं आपकी मीडिया के चैनल के माध्यम से भी इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की गलत फहमी है तो अपनी गलत फहमियाँ दूर कर लो, जो लोग तुम्हारे से डरते आए थे वो डरेंगे नहीं, मुँह तोड़ जवाब देंगे, जो तुम्हारी दुकानें बंद करवा के रहेंगे तो करवा के रहेंगे। सबसे पहले आप सभी तमाम मीडिया पर का धन्यवाद करूंगा, जो जिनकी वजह से हिमाचल प्रदेश में जो हमने ये अलख जगाई थी वो हर घर हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, उसके लिए आप सभी का साधुवाद। और जिस प्रकार से आपने कहा कि हम लोग जिस यात्रा को कर रहे हैं उसमें बहुत समर्थन मिल रहा है, समर्थन मिला वाजिब है, 70 साल से हमारा स्वर्ण समाज पीड़ित है सर, हमारे स्वर्ण समाज के अधिकारों के बारे में किसी भी एक विधायक ने आज तक बात नहीं की, तो आज प्रताड़ित है, और आने वाला समय में बच्चों के भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमें जन समर्थन मिलना बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और आने वाले समय में मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि यदि वो कहीं गलत फहमी में बैठी है तो ये जन सैलाब और बहुत बड़ा बढ़ता जाएगा और लाखों की संख्या में विधानसभा कूच करने वाले हैं। उससे पहले स्वर्ण आयोग के बारे में आप सोच लें, स्वर्ण आयोग गठन करने के बारे में आप सोच लें। यदि उस दिन 10 तारीख को कोई भी अप्रिय घटना होती है और किसी भी प्रकार का उपद्रव वहाँ पे होता है, उसकी जवाबदेही प्रदेश सरकार की होगी, प्रशासन की होगी, क्योंकि हमने 15 तारीख से निरंतर ये कहा है कि जब हम वापस आएँ तो उससे पहले प्रदेश सरकार स्वर्ण आयोग का गठन करे, और यदि प्रदेश सरकार गठन करती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, उस दिन 10 तारीख को हम स्वागत रैली करेंगे। परंतु यदि 10 तारीख तक सरकार ने इस चीज़ को हल्के में लिया तो उसका खामियाजा आने वाला समय उनको बहुत जल्दी देने वाला है। जी, ये चीज़ें बहुत बात की है, अभी जो मौजूदा में प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, हमें अपनी मांगे मनवाने का हक उनसे है, अभी एक साल उनके सत्ता में है, एक साल के अंदर हम लोग सभी अगर मजबूती से के साथ खड़े होकर हम उस लड़ाई को लड़े तो मुझे नहीं लगता कि तीसरा कोई विकल्प बनाने की आवश्यकता हिमाचल प्रदेश में। परंतु आज तक हम लोग एक गुलामी की जंजीरों की तरह गुलाम बनके उनके साथ कार्य कर रहे थे, परंतु अब गुलामी छोड़ने की बात आ गई, अपने बच्चों के भविष्य की बात आ गई। रही बात आने वाले समय की, वो हमारा जो स्वर्ण समाज के लोग हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग स्वर्ण आयोग गठन करने के लिए बात कर रहे हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, प्रोत्साहन राशि बंद करने की बात कर रहे हैं, और ये चीज़ें अगर नहीं सरकार मानती तो हमारे पास अन्य बहुत सारे विकल्प है, वो थर्ड फ्रंटियर भी बहुत विकल्प है जनाब। यदि सरकारों को हमें उसके घुटने पे लाना है तो हमें बहुत सारी तरीके, आपने मंडी में भी देखा होगा, मंडी में सरकार ने जिस प्रकार से स्वर्णों को अनदेखी की थी उसका नतीजा आपके सामने है। आज एक पैसा भी तेल में मंडी में 2 तारीख से लेकर आज तक एक पैसा भी तेल में नहीं बढ़ा, नहीं तो रोज़ 10 या 20 पैसे केंद्र सरकार बढ़ाती है। आज नोटा के रूप में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को पता है कि उनकी जो गलत नीतियां हैं वो लोगों के लिए अब बाहर निकलना शुरू हो गई है, और वो आने वाला समय उनके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। स्वर्ण समाज के लोगों से कहा है, वो दिल से, अपने दिल से समर्थन के तौर पे वो बाजार बंद कर सकते हैं, अन्य वर्ग के लिए हमने नहीं कहा। और हम लोग बात सभी के समानता की बात कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप कुछ एक विशेष वर्ग को हम लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो उनके अनुयायी बने हैं, विशेष वर्ग के उनके नेता बने हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जमीनी स्तर पर देखिए आप, जो आपके 15% लोग आज वो लोग हैं जिन्हें एक भी योजना उन तक पहुँच नहीं पाई। हर साल 2-2 हज़ार करोड़ रुपए केंद्र से आते हैं, नीति आयोग से आते हैं, परंतु उन्होंने आज तक वो जमीन पे कहीं पैसा नहीं लगा, ना वो लैप्स हुआ। ये जो बड़े बड़े पेट राजनेताओं के सफेद कुर्ते पजामे में जो चलते हैं,
और जब ये इलेक्शन जीत के आते हैं तो सूखे से होते हैं और उसके बाद 5 साल बाद इतने बड़े पेट हो जाते हैं कि उसमें पूरा हिमाचल समाने की ये कोशिश करते हैं।